ये एक अल्ट्रा लाइट ग्लाइडर है जो पतले स्टायरोफोम का बना है। इसका डिज़ाइन साइंस टॉय मेकर डॉट ऑर्ग ने किया है। इसका विंग स्पैन करीब 20 सेंटीमीटर का है। आप देखिए कितना पतला स्टायरोफोम है, और इसके जो दो बाल जैसे तांबे के तार लगे हैं ये संतुलन का काम करते हैं। सबसे पहले स्केल लेकर के दो त्रिकोण आप ऊपर की ओर मोड़िए, ये हैं इस ग्लाइडर के एलरॉन्स। ये करीब 30 डिग्री के कोण के ऊपर ऊपर मोड़े होने चाहिए। उसके बाद में आप ग्लाइडर को पलटिए और जो आगे वाला जो पंख है उनकी दोनों किनारों को नीचे की तरफ मोड़िए। इसको केम्बर कहते हैं और ये भी लगभग 30 अंश के कोण के ऊपर मुड़ा होना चाहिए। अब आप देखिए, ये हमारे हो गए दोनों एलेरॉन्स जो ऊपर की तरफ मुड़े हैं, और जो आगे वाले पंखों के किनारे हैं उसका केम्बर नीचे की ओर मुड़ा है, और ये दोनों तार जो हैं वो ग्लाइडर को संतुलन करेंगे। उसके बाद ग्लाइडर की जो मिडरिब है उसको थोड़ा सा कोण पे मोड़ लेते हैं, और उस ग्लाइडर को इस प्रकार पकड़ करके आप आगे की ओर फेंकिए तो ग्लाइडर काफ़ी देर तक हवा में उड़ता रहेगा और दूर जा करके लैंड करेगा। हाँ, एक और बेहद मज़ेदार तरीका है। आप पहले ग्लाइडर को फेंकिए और उसके नीचे गत्ते के टुकड़े को लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ते रहिए। अब ये गत्ते की जो हवा है ऊपर को उठ रही है वो बस पर्याप्त होगी ग्लाइडर को हवा में रखने के लिए। इस प्रकार आपका ग्लाइडर बहुत देर तक हवा में उड़ता रहेगा।